हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रीति परियार, हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर कुछ न्यू थ्योरीज में। सो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं हेयर कट ट्यूटोरियल पे। तो या फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक और न्यू हेयर कट। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं हेयर कट के पूरे वीडियोज़ बताओ, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। आप मेरे को इतने कमेंट कर रहे हो, मेरे आपको हेयर कट पसंद आ रहे हैं तो मेरे को आप कमेंट करके और डिमांड कर रहे हो हेयर कट के बारे में, तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, फर्स्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। तो आज का हेयर कट होगा डायमंड हेयर कट। या फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आप लोगों को डायमंड हेयर कट की जानकारी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे फर्स्ट बार हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन है प्रेस करो और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, फर्स्ट से लेकर एंड तक देखना। मैं पूरा आपको वीडियो बताऊंगी हर तरीके से, कैसे हमें पकड़ना है, कैसे सेक्शन बनाना है, कैसे हमारे हैंड्स की ग्रिप होगी, कैसे सीजर का मूवमेंट रहेगा, एवरीथिंग बताऊंगी चीज़ें इसमें मूवमेंट। ये वाला हेयर कट फ्रेंड्स हम लोग 10 साल की लड़की के भी कर सकते हैं और हम एक वूमन के भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हेयर कट ऑल राउंड सब बच्चों के, बड़ों के, सब लोगों के हम कर सकते हैं ये वाला हेयर कट। बना लिए सेक्शन डायमंड कट में, डायमंड के जैसे ही सेक्शन बनाने हैं। सबसे पहले हमने प्रोफाइल सेक्शन निकाला, टू पार्ट में माने हेयर को डिवाइड किया, फिर हमने बनाया सेक्शन, जो हमने बीच में टॉप में से सेक्शन फर्स्ट में बनाया डायमंड कट का। एक मिनट गर्दन नीचे करो, ये देख सकते हो ये बीच में से डायमंड शेप का हेयर कट बनाया है हमने। इसके बाद में सारा हमें पूरा प्रॉपर डायमंड शेप के जैसे ही लेने, ये वाली लाइन है प्रोफाइल वाली और ये इससे करके यहाँ पे पीछे भी हमने डायमंड सेक्शन बनाया है, इस साइड में भी डायमंड सेक्शन बनाया और ये जो एक्स्ट्रा बाल छूटे हुए ये इसके बाल छोटे हैं, ये बाल और पीछे के बाल इनको मिक्स करके ये भी पूरा डायमंड सेक्शन बनेगा, जो मैं लास्ट में करके बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखो इस प्रकार ये हमारा हो गया फर्स्ट डायमंड कट, फर्स्ट हमारा डायमंड वाला स्टेप हो गया प्रोफाइल सेक्शन के सीधा डायरेक्शन में ऊपर फर्स्ट वाला, और इधर से हमने बनाया है सेकंड वाला जो एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर लाइंस बनी हुई दिख रही है, ऐसे बनाना है हमें। और फिर इस साइड वाला थर्ड वाला हमने भी ऐसे ही लिया है, जो ये इससे पूरा प्रॉपर दिख रहा है आपको लाइंस, और इस प्रकार होगा। सबसे नीचे वाला सबसे लास्ट में लेके करके दिखाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस प्रकार हमें करना है और खोल के यहाँ से हेयर कट को स्टार्ट करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम लोग आगे धीरे धीरे करते हुए जाएंगे। तो ये ले लिया है मैंने टॉप वाला सेक्शन, लेंथ अच्छी खासी लंबी है तो हम ना ज्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, एप्रिन को अच्छे से लगा लेंगे ताकि इनके कपड़े और गंदे नहीं होंगे। इसको अब हम लोग कट करेंगे, बाल अच्छे से प्रॉपर गीले कर लेने हैं, मैंने बाल गीले कर लिए और यहाँ से हम लोग गाइडलाइन भी बना लेंगे। ये गाइडलाइन फॉलो करते हुए हमारे पूरे हेड के बाल कटेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से मैं बाल काटूंगी, सबसे कम लेंथ यहाँ पे है तो ये इतनी हम लोग गाइड ले लेंगे, स्ट्रेट कट कर लेंगे और यहाँ से हमारी गाइडलाइन ले लेंगे। इनकी लेंथ भी एकदम कम कट करनी है, ये देखो एकदम वापस रीचेक करेंगे। ये देखो मेरी हल्की सी तिरछी है ये लाइन, तो इसको पूरा प्रॉपर एकदम स्ट्रेट काटूंगी मैं। इस प्रकार लेना है हमें और फिर इसको पीछे करते हुए जाना है और अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये वाला खोलूंगी और इसके अंदर अटैचमेंट करूंगी, ये आधे बाल इधर से अटैचमेंट करूंगी गाइडलाइन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे आधे बाल इसके अंदर मिक्स करेंगे, मिक्स करके ऐसे बांध लेंगे। ये वाला कट आप छोटों के, बड़ों के, सबके कर सकते हो, इसमें लेंथ भी ज़्यादा नहीं जाएंगी और इसमें हमारे हेयर कट भी अच्छा खासा लुक दिखने वाला है। मतलब कम लेंथ, कम लहर्स बनेंगे इसमें, जो कि हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, हाउस वाइफ के लिए, इन सब के लिए हम लोग ये वाला कट कर सकते हैं, इसको डायमंड कट कहते हैं। अगर आप इसमें लहर्स और ज़्यादा लाना चाहते हो तो इसके अंदर थोड़ा सा कट मतलब हमें ज्यादा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही हमारी गाइडलाइन, ये देखो यहाँ पे हमारी गाइडलाइन स्ट्रेट आ रही है, ये हमारी गाइडलाइन है, इसको फॉलो करते हुए हमें इतने से ही बाल काटने। तो अगर आप इसमें ज्यादा कट्स और दिखाना चाहते हो तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें बस इतना ही काम करना है कि हमें कट ज्यादा देना है। जैसे कि हमें इसमें दिखाना है तो हमें कम से कम इतने इतने बाल कट करने, इतने इतने बाल कट करोगे ना तो प्रॉपर बहुत ज़्यादा लहर दिखेगी, पर हमें एकदम कम कट करना है और बच्चों के स्कूल के अकॉर्डिंग भी कट करना है। तो इसमें भी डायमंड कट में अलग अलग कट्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग हमें हेयर कट करना है।
अच्छे से ग्रिप्ट में लेना है। मेन काम हमारा होता है फिंगर में अच्छे से ग्रिप्ट करना है बालों को, अच्छे से लेके फिर काटना है। तो ये रही हमारी गाइडलाइन, तो इतने से ही हेयर कट होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जो इस प्रकार लेके ऐसे कट कर लेंगे। एक बार वापस रीचेक कर लेते हैं। सेक्शन हमारा एकदम परफेक्टली होना चाहिए। एक मिनट, सेक्शन को इधर से दिखाओ के जैसे पूरा प्रॉपर सेक्शन बनना है हमारा। सेक्शन एकदम परफेक्टली तरीके से होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। गर्दन वापस ऐसे कर लिया, वापस टॉप पे गए, ये 90 डिग्रीज पे कट हो रहा है, हल्का सा देखो कट तिरछा है, तो इसको भी वापस स्ट्रेट कट करेंगे, क्यों हमारी सीजर अच्छे से प्रॉपर नहीं चल रही है, कहीं से भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत भी हेयर कट तिरछा हो रहा है ना। तो हमारे फ्रेंड्स हम ये वाला सेक्शन खोलेंगे, खोल के पिन को यहाँ पे पिन अप करना है, और यही वाला लुक है सेम, देखो अच्छे से पूरी प्रॉपर हमें दिख रहा है सेक्शन बनाया हुआ, डायमंड सेक्शन। अब इसको लेंगे साथ में, इसके अंदर थोड़े से ये वाले बाल मिक्स कर लेंगे गाइडलाइन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये इतने से स्ट्रेट बाल लेके गाइडलाइन के लिए मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको भी टॉप पे लेके जाना है, फर्स्ट में बड़े वाले ब्रशेस से ऊपर लेके जाना है, फिर छोटे वाले ब्रशेस से हेयर कट करेंगे। ट्रेंगल को अच्छे से निकाल लेना है, जो भी हेयर कट के अंदर कोई सलवेट है वो रह रही है उसको प्रॉपर कॉमिंग करना है, कॉमिंग करके फिर ही हमारे हेयर का कट देना है, ठीक है। फिर सीजर चलाना है, तब तक सीजर नहीं चलानी है। ये देखो फ्रेंड्स हल्का सा लग रहा है, और बाकी पूरे प्रॉपर कटे हुए, हल्का सा हम लोग इस साइड लाके काट लेंगे, जो छोटे मोटे बाल लग रहे हैं वो ही कट करना है, और कुछ भी नहीं इसमें कट करना है, ठीक है। तो वापस रीचेक कर लेंगे हम लोग, मेन काम फ्रेंड्स हमारे कट करते हैं ना, मेन काम फिंगर का ही रहता है, डिग्रीज का रहता है। अभी मैं डिग्रीज 90 डिग्री पे कट कर रही हूँ, इसमें भी कट एक कट में अलग अलग कट्स होते हैं, जैसे कि डिग्रीज के ऊपर लेके जाके हम लोग करते हैं, तो कट एक 90 डिग्री का हो गया, एक थोड़ा सा हाथ नीचे रख के हम लोग 75 डिग्रीज का भी कर सकते हैं इस प्रकार। अब मैं सबसे लास्ट में नीचे वाला सेक्शन करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रोफाइल सेक्शन अच्छे से निकाल लिया है मैंने, और सबसे नीचे वाला सेक्शन खोलूंगी जो है हमारा ये वाला सेक्शन, जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है उसको खोलूंगी। उसके अंदर भी हमें यही प्रोफाइल सेक्शन में से गाइडलाइन में से बाल मिक्स करें, पूरा नीचे लेके आए और अच्छे से ट्रायंगल फ्री करा और कट करेंगे। सेक्शन हमें प्रॉपर ऊपर लेके जाना है, अच्छे से कॉमिंग करना है, कॉमिंग करके फिर ऊपर लेके जाके हमें कट करना है। ये देखो हल्का सा ही है, छोटा मोटा और खास छोटा मोटा नहीं है, जो छोटे बाल थे वो नीचे गिर के आ गए सारे, जो बड़े बाल थे उसमें से इतने से ही एक्स्ट्रा निकले, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमें कर लेना है, और अब मैं करूँगी ये जो हमारे आगे वाले बाल हमने छोड़े थे इसको मिक्स करना है गाइडलाइन के, और साथ में हमें हेयर कट लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे ये वाले बाल भी, अगर आप इसमें दो तरह से कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आगे से इसको लेयर कट का भी शेप दे सकते हो, और आप चाहो तो सीधा ऐसे डायमंड का शेप दे सकते हो, बट मैं डायमंड कट कर रही हूँ ना तो मैं पूरा डायमंड का ही शेप दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस प्रकार देखो ऐसे बाल ऊपर लेके आने हैं, टॉप पे लगे अच्छे से ग्रिप्ट करना है, करके अच्छा से स्ट्रेट पूरा 90 डिग्रीज पे जाना है हमें। तो कितना आ रहा है ये देखो, गाइडलाइन है ये, इतने से ही एक्स्ट्रा है, बस इतने से ही कट करने हैं हमें, तो इतने से यहाँ पे लाई देन कट कर, वापस रीचेक कर लेंगे। इधर वाले बाल क्या है इसके छोटे हैं, तो इधर वाले बाल है ना मिक्स नहीं हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग जहाँ ऊपर ऊपर वाले बाल हैं वही मिक्स करेंगे और हेयर कट कर लेंगे। ये देखो एकदम प्रॉपर बाल कटे हुए हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार हमें करना है। अब इधर वाला पार्टीशन करेंगे,
इसमें भी बाल मैं ले लूँगी आधे से ज़्यादा, क्यों गाइडलाइन हमें मिक्स करनी है, तो गाइडलाइन मिक्स करनी है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हेयर कट कर रहे हैं, जो हमारे ट्रेवलिंग गाइडलाइन बोल सकते हैं इसको हम लोग, पूरी ट्रेवल करते हुए जाएगी और पूरे हेड में अच्छे से कट होगा इससे। बाल को अच्छे से फ्रेंड्स पूरा गीला करना है, जितने अच्छे से बाल गीले होंगे उतना प्रॉपर अच्छे से कट होगा। तो ये देखो सिर्फ 3-4 बाल ही एक्स्ट्रा है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, तो ये कट कर लेंगे हम लोग यहाँ लाके। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारी लेंथ भी छोटी नहीं हुई और हमारे फ्रेंड्स कट भी एकदम पूरा प्रॉपर आया है। तो फ्रेंड्स देखो इस प्रकार हमारे हेयर कट का लुक आएगा, जैसे जैसे ऊपर करती जाएगी ना वैसे वैसे लेयर्स बनती जाएगी इसकी और कटिंग का लुक दिखेगा। वैसे अभी हमारे इनके यू शेप का कट दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग हम लोग हेयर कट करेंगे। इसमें क्या होने वाला है, पीछे से यू शेप कट आएगा और एकदम कम लेयर्स आएगी, जिससे क्या है ना हम लोग बड़ों के बच्चों के हाउसवाइफ के बच्चों के स्कूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से पोनी भी बन सकते हैं, क्लच भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला हेयर कट करना है जिसका नाम है डायमंड हेयर कट। कम टाइमिंग में भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है और इसमें ज़्यादा लेयर्स आते हो तो इसकी थोड़ी सी हम लोग, जैसे कि मैंने ऊपर ऊपर से काटा तो आप थोड़ा सा हाथ नीचे रख के काटो तो और अच्छी इसकी लेयर्स बन के आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार हमें हेयर कट करना है। तो वीडियो आज आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कमेंट्स में कि आपको कैसे लगी मेरी हेयर कट। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ न्यू थ्योरीज के साथ। तब तक के लिए मेरे बाय फ्रेंड्स।